थंड राइजिंग का थीम क्या है? थंड राइजिंग की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसको शुरू करने से पहले मैं खुद भी छात्र था, आया तो था यहाँ परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा फेर किया कि मैं जिसकी तैयारी करता था उसकी तैयारी करवाने लगा। तो इसलिए इस कोचिंग की जो सबसे बड़ी सोच है कि हमेशा विद्यार्थी का भला होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, निश्चित रूप से एक बिजनेस है और रोजी रोटी कमाने के लिए ही इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जब अपना विद्यार्थी जीवन आता है, अपने सपने याद आते हैं और उन सपनों के लिए जो बेचैनी थी, न मिलने पे जो तकलीफ़ें हुई घर से लेके यहाँ तक, जब वो तकलीफ़ें याद आती हैं तो लगता है कि सपनों को पूरा करना ज़्यादा जरूरी है पैसे कमाने के बजाय। तो जब जब कोई विद्यार्थी यहाँ चयनित होता है, वो अच्छा करता है, तो दिल से शायद आवाज़ यही आती है कि वो मैं ही सफल बना, मेरी सफलता है। तो थंड राइजिंग का टैग लाइन ही है कि डेवलपिंग योर इंटेलिजेंस कैपिटल, आपकी बौद्धिक पूंजी का विकास करना कि आप इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर से बेहतर करें। तो असली मुद्दा यही है कि हम यहाँ विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो भविष्य में अच्छा करें, और विद्यार्थी ही हमारा लक्ष्य है, उनके उनके दिए गए शुल्क हमेशा हमारे लिए द्वितीय है, प्रथम नहीं। जी ये तो बहुत अच्छी बात है सर। हम इलाहाबाद कोचिंग का हब माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि थंड राइजिंग और कोचिंग से कितना अलग है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो फंस से जाते हैं कि किधर जाएं, रास्ते ढेर सारे हैं और कोचिंग ढेर सारे हैं, ऑप्शन ढेर सारे हैं और किसी पर्टिकुलर को चूज़ कर पाना कठिन हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? आपने हमसे बताया था कि हम निःशुल्क भी देते हैं, जो बच्चे नीडी हैं उन्हें, बिल्कुल, तो उसके बारे में नहीं। जहाँ तक बच्चों के सहयोग करने की बात, मैंने कहा ना कि बच्चा विद्यार्थी ही हमारा उद्देश्य है, पैसा उसका हमेशा द्वितीय है। लेकिन अगर इलाहाबाद के अन्य संस्थानों से अंतर की बात की जाए तो सबसे पहला अंतर तो ये है कि कोचिंग संस्थान सिर्फ सीट्स बांटने, मटेरियल उपलब्ध कराने, क्वेश्चन सॉल्व कराने, प्रैक्टिस बैचेज बनाने में ही लिप्त हैं। उन्हें बच्चों को विषयों का ज्ञान नहीं कराया जाता। जब तक विषय की डेप्थ नहीं आएगी तब तक बड़े सपने देखना मुश्किल है और बड़ी परीक्षाओं को पास करना मुश्किल है। तो हम इसी मामले में अलग हैं कि पहले तो हम चाहते हैं कि विद्यार्थी जो पढ़ने आता है उसकी गहरी जानकारी हो, उसको उसका बौद्धिक विकास हो। दूसरी चीज़ की एकेडमिक एजुकेशन और कंपटीशन में अप्रोच का अंतर है, प्रश्नों के पूछने का अंदाज अलग होता है, और विषय को पढ़ना और फिर उसका एप्लीकेशन करना। जैसे आप फिजिक्स है तो क्लास में आप उसकी थियोरी पढ़ते हो, लेकिन जब आप लैब में जाते हो तो बहुत से सिद्धांत के परिणाम जो टीचर ने बताया था उससे डिफरेंट भी आते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन करते समय परिस्थितियां बदलती हैं। तो हम बच्चों को एक और विषय का प्रारंभिक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, दूसरा कि उसको एग्जाम में जाके कैसे उसको अप्लाई करेंगे, कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, कैसे प्रश्नों को समझेंगे। तो हम सिर्फ टेस्ट लेना, सीट्स बांटना, प्रैक्टिस कराना, ये हमारा सेकेंडरी पर्पज है। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चा उस विषय को समझे, जाने, उसमें अनुशासन आए। और तीसरी चीज़ कि हमारे सारे शिक्षक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर भी हैं, क्योंकि जब आप बड़े सपने देखते हैं तो एक बोझ आता है। आफ्टर ग्रेजुएशन अचानक बच्चा होता तो 19 साल का ही है, लेकिन लगता है कि अचानक बहुत बड़ा हो गया। घर के लोग भी कह देते हैं कि भैया आप अपनी जिम्मेदारियां संभालो, और भारत में 18 वर्ष के बाद नौकरी करने लायक आप हो जाते हैं, वोट देने लायक हो जाते हैं, आप सरकार चुन सकते हैं, तो आप नौकरी भी पा सकते हैं, अपना करियर चुन सकते हैं। तो उनको मोटिवेट रखना, अब वो मोटिवेशन इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। तो हम पढ़ाने के साथ साथ वो बच्चा मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से मजबूत रहे, हाँ, समस्याओं को लेकर के वो समस्याओं से जूझे, डर के भागे नहीं, हौसला अफजाई करना, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। तो हम उनको मोटिवेट करते हुए बेहतर तरीके से शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। अब और इसका कि हमारे प्रयासों का परिणाम चयन नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तो पिछले 4 सालों में कोई वर्ष ऐसा नहीं गया जब कोई ना कोई चयनित ना हुआ।